हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में जमीनी विवाद में दो गुट भिड़े, पथराव के साथ ही फायरिंग का आरोप, घायलों का पुलिस संरक्षण में करवाया इलाज। महानगर के निकटवर्ती करवट स्थित आयुर्वेद विश्वविद्यालय के सामने जमीनी विवाद को लेकर सोमवार को दो गुट भिड़ गए। कुछ बदमाशों ने हथियारों से लैस होकर दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, साथ ही उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। हमले में कुछ लोग चोटिल हुए हैं, जिनका पुलिस संरक्षण में पावटा जिला अस्पताल में इलाज करवाया गया है। सूचना पर डीसीपी सहित पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पहुंचे। घटना स्थल पर फायरिंग किए जाने की बात सामने आई है, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। घटना के बाद बदमाश फरार हो गए। डीसीपी पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि करवट स्थित आयुर्वेद विश्वविद्यालय के सामने एक जमीन को लेकर दो पक्षों में लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। विवाद कोर्ट में भी चल रहा है। आज सुबह कुछ बदमाशों ने हथियारों से लैस होकर उक्त जमीन पर कब्जा करने के इरादे से वहां पर धावा बोल दिया। इससे एक बारगी हड़कंप मच गया, तब दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने हो गए, पथराव व लाठी भाटा जंग छिड़ गई। बताया गया है कि एक पक्ष की तरफ से फायरिंग की गई। हमले में कुछ लोग चोटिल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए पावटा जिला अस्पताल लाया गया है। एसपी राजेंद्र सिंह दिवाकर ने बताया कि इस बारे में मौका मुआयना के साथ जांच की जा रही है, फायरिंग के आलामत देखे जा रहे हैं। हमले की जानकारी पर डीसीपी पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव, एसीपी राजेंद्र प्रसाद दिवाकर, करवट थाना अधिकारी भारत रावत, महामंदिर थाना अधिकारी सुमेर दान आदि वहां पहुंचे। स्थिति नियंत्रित होने के साथ आसपास अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।